काफी सारे लोगों को दोस्त यदि कोई इन्फेक्शन है, जख्म है, डायबिटीज, पैर में कुछ इन्फेक्शन हो गया, लग गया है, चोट है, खरोच है, और बहुत बार पट्टी करने की ज़रूरत पड़ रही है, और यदि आपके डॉक्टर ने म्यूपिरोसिन यानी टी बैक्ट ऑइंटमेंट यदि ये आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो ये दोस्तों ये ऑइंटमेंट में क्या कंटेंट्स है, कैसे काम करता है, इसकी क्या खास बात है, और बीटाडीन पोविडोन ऑइंटमेंट और टी बैक्ट ऑइंटमेंट ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियो रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसे और वीडियोस आपके सामने लेते आए। कमेंट सेक्शन में भी टाइप कीजिए यदि कोई आपका कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहो, कोई पट्टी करने के बारे में, वुंड ड्रेसिंग या कोई टिप्स के बारे में, तो भी हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो पब्लिश करें। तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, टी बैक्ट ऑइंटमेंट, म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट, इसमें जाहिर सी इसका कंटेंट है म्यूपिरोसिन। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन बनने की जो गतिविधि है उसको अटकाता है, रोकता है। तो आइसोलिसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज नाइम का जो एंजाइम है इसको ये ब्लॉक करता है, और जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ अटक जाता है, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी ग्रोथ को अटकाता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जख्म में तो ये बैक्टीरियोसाइडल यानी बैक्टीरिया को मारता भी है। इसकी खास बात है कि MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस नाम के जो बैक्टीरियाज रहते हैं, खास करके डायबिटिक अल्सर्स, इन्फेक्शंस, बेड सोर्स, और जो ऐसे जख्म है जो ठीक नहीं हो रहे, और आपका पस कल्चर स्वाब रिपोर्ट यानी डॉक्टर बहुत बार पस रिपोर्ट भेजते हैं, और पस में अगर MRSA आ रहा है तो इसमें काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। दोस्तों इसकी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स कम है, लोकल एक्शन है। इसको कैसे लगाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले तो जख्म को क्लीन किया जाता है नॉर्मल सलाइन से, या फिर उसको जो ऊपर का इन्फेक्शन के लेयर्स है उसको रगड़ के स्क्रब करके, या इन्फेक्शन को धोने के बाद जब जख्म को थोड़ा सा ड्राई किया जाता है, तो ये ऑइंटमेंट की मात्रा हम लेते, तो इसको जब हम ऑइंटमेंट को खोलते हैं तो ये पर्ली वाइट कलर का ऑइंटमेंट है जो आप देख सकते हो इस वीडियो में, तो इसको हम थिन लेयर में अप्लाई करते हैं जख्म के ऊपर, एकदम थिन लेयर में इसको अप्लाई किया जाता है। 2 से 3 बार इसको यूज़ किया जा सकता है जख्म पे आमतौर पे, और जनरली 10 दिन तक अप्लाई करने का सुझाव आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। आपके डॉक्टर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट हालांकि सेफ रहेगी। यदि डायबिटीज है तो न्यूट्रिशन, शुगर कंट्रोल, डिब्राइडमेंट यानी पीला इन्फेक्शन को सीजर से कट हो जाना, वो आपके डॉक्टर के गाइडेंस में आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। तो दोस्तों ये पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट से इसमें बीच में क्या फ़र्क, क्या अंतर है, तो दोस्तों ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है और पोविडोन आयोडीन ये एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट। कन्फ्यूज़ हो गए, नहीं समझ रहा है, क्योंकि एंटीसेप्टिक यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन, फंगस पे भी काम करता है, स्पोर्स पे भी काम करता है, बैक्टीरिया पे भी काम करता है, बिफोर सर्जरी, प्री ऑपरेटिव, पेंडिंग, ड्रिपिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टी बैक्ट ऑइंटमेंट एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है जो लिमिटेड यूज में, जिधर एक्शन इसकी ज़्यादा पावरफुल ज़रूरत है, खास करके MRSA इन्फेक्शंस में, या फिर ऐसी कुछ सुपरविजन आपके डॉक्टर के गाइडेंस में, उधर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, ये एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है, दोनों के अलग अलग लेवल पे कुछ फ़ायदे रहते हैं। तो टी बैक्ट ऑइंटमेंट ये इंडिया में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी की प्रोडक्ट है जो इजीली अवेलेबल है। 15 ग्राम की ट्यूब जो मैं इधर पढ़ पा रहा हूँ वो 340 रुपीज़ की इसकी MRP आज के दिन में मेंशन की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल, और हमारी वेबसाइट पर भी आप क्लिक कर सकते हो और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।